साथियों, लंबे वक्त तक भारत ने टेक्नोलॉजी की कई बसेस मिस कर दी है। इसके बाद वो समय भी आया जब हमने ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज में अपना टैलेंट दिखाया। हमें हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री के उसने भी उसको अभी बढ़ाने के लिए भरपूर जो प्रयास हुआ है, लेकिन अब 21वीं सदी का ये कालखंड भारत की थॉट लीडरशिप का समय है। और मैं यहाँ बैठे हुए सबको और ये जो 100 लैब्स के उद्घाटन में बैठे हुए नौजवानों को कह रहा हूँ, और विश्वास कीजिए दोस्तों, जब मैं कोई बात कहता हूँ तो गारंटी से कम नहीं होती है। और इसीलिए मैं थॉट लीडर्स वाली बात कर रहा हूं। थॉट लीडर्स एक नए डायमेंशन बना सकते हैं जिसे बाद में दुनिया फॉलो करें। हम कुछ डोमेन्स में थॉट लीडर बने भी हैं, जैसे यूपीआई हमारी थॉट लीडरशिप का परिणाम है, जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इवन कोविड के समय हमने कोविन का जो इनिशिएटिव लिया था, आज भी विश्व उसकी चर्चा करता है। ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलॉजी के एक्सेलेंट एडॉप्टर और इम्प्लीमेंटर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का थॉट लीडर भी बनना ही होगा। भारत के पास यंग डेमोग्राफी की ताकत है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ताकत है। मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लोगों, खासकर इसके युवा सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह इस दिशा में आए, आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं। आज एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थॉट लीडर्स के रूप में आगे बढ़ने का ये ट्रांजिशन पूरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और मुझे विश्वास है, और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है, मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके समर्पण पर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं।